आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सातवीं जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हमने आपकी उर्दू किताब में से एक नज़म पढ़ी थी, हमारा वतन। तो आज हम इस नज़म में जो सवालात दिए गए हैं, इन सवालात के जवाब लिखते हैं। पहला सवाल, वतन को शायर ने जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा है? जवाब है, शायर ने वतन को जन्नत का टुकड़ा कहा है क्योंकि ये वतन रंग बिरंग फूलों, सरसब्ज जंगलों और जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ के दरिया, यहाँ की हुसैन वादियाँ और दिलकश नज़ारे काबिल दीद हैं। दूसरा सवाल है, हमें अपने वतन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसका जवाब है, हमें अपने वतन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए सरसब्ज जंगलों, पेड़ पौधों और जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए और अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह किया है? इसका जवाब है, शायर कहता है कि इसे अपने वतन दिल व जान से प्यारा है और जितनी मोहब्बत इसे अपने वतन से है उतना मोहब्बत उसे किसी चीज से नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, पहाड़ इसके हैं जहाँ फिजा किस कदर, शजर इसके हैं खुशनुमा किस कदर, इस शायर का मतलब लिखिए। शायर कहता है कि हमारे वतन के पहाड़ दिल को खुश करने वाले हैं और यहाँ के पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत हैं। इन लफ्जों को पढ़िए, खुशनुमा जान फिजा। इन दोनों लफ्जों में दो लफ्ज हैं। ऐसे लफ्जों को मुरक्कब कहते हैं। ऐसे ही पांच अल्फाज किताब में से तलाश करके लिखिए। तो पांच मुरक्कब, गड्ढे नमा, जेर जमीन, रहन सहन, कशिश सकल, खदो खाल, ये पांच मुरक्कब हैं। वसलम।